दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसे जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फियरलेस क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड माना गया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हनी बैडगर के बारे में। हनी बैडगर जिसे रेटल के नाम से भी पहचाना जाता है और हनी बैडगर एक वीएसएल फैमिली की प्रजाति है और हनी बैडगर का नेटिव प्लेस अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और हनी बैडगर ज्यादातर ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, डेजर्ट, सावन्नास और स्क्रबलैंड के यहाँ पर पाए जाते हैं। हनी बैडगर एक सर्वाहारी प्राणी है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं और हनी बैडगर ज्यादातर हनी, हनी बीज, बेरीज, रूट्स, स्कॉर्पियंस, स्नेक, एग्स, टॉर्टोइस, मैमल्स और बर्ड्स को कंज्यूम करते हैं। हनी बैडगर का शिकार ज्यादातर लायन, लेपर्ड और ह्यूमंस करते हैं। हनी बैडगर पानी के जगह खून पीते हैं, जो उनका मेन सोर्स है। ऐसा माना गया है कि हनी बैडगर का शिकार ज्यादातर इंसान करते हैं क्योंकि हनी बैडगर हनी बीज और लाइवस्टॉक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हनी बैडगर एक सॉलिटरी प्राणी है जो अपना जीवन ज्यादातर अकेले ही बिताते हैं। वैज्ञानिकों का माना गया है कि हनी बैडगर पूरे साल मैटिंग कर सकते हैं लेकिन हनी बैडगर ज्यादातर सितंबर और अक्टूबर के महीने को प्रिफर करते हैं। फीमेल हनी बैडगर को सो और मेल हनी बैडगर को बॉर कहते हैं और मैटिंग के समय हनी बैडगर एक ग्रुप में आ जाते हैं जिनके ग्रुप को सेते, कॉलोनी या फिर कंपनी कहते हैं। फीमेल हनी बैडगर इसका प्रेगनेंसी पीरियड 6 से 8 हफ्तों का होता है और ठीक 8 हफ्ते के बाद वह 1 से 2 बेबी किड्स को जन्म देती है और वह बेबी अपने माँ के पास तकरीबन 1 से 2 साल रहती है। हनी बैडगर को फियरलेस क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड भी माना गया है क्योंकि हनी बैडगर के पास शार्प टीथ है जो कछुओं के कवच को आसानी से तोड़ सकते हैं। हनी बैडगर के पास कोई विजिबल कान नहीं होते और हनी बैडगर शिकारियों से बचने के लिए स्टिंकी ओडोर छोड़ते हैं। हनी बैडगर तकरीबन 28 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और हनी बैडगर की लंबाई 2 फीट से लेकर 3 फीट और वेट 9 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम होता है और हनी बैडगर के टेल की साइज तकरीबन 12 इंच लंबी होती है। वैज्ञानिकों का माना गया है कि हनी बैडगर सिर्फ 8 साल तक ही जी सकते हैं लेकिन अगर कैप्टिविटी में रखा जाए तो वह 24 साल तक जी सकती है। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।